हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सबा मैठा। मैं आशा करता हूँ आप सब बच्चे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वीडियो सबको यूज़फुल हो रही है और मैं भी आशा रखता हूँ कि मेरे से जितना हो सके आपको सपोर्ट करूँगा। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन पूछे, ताकि मैं आपके क्वेश्चन का प्रॉपर और आपको पर्सनली जवाब दे पाऊँ। और YouTube में जो कमेंट करते हैं उससे क्या होता है कि बहुत से जो कॉन्फिडेंशियल टाइप के आंसर हैं मैं नहीं दे पाता हूँ। तो आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी इश्यू है तो आप Instagram पे ट्राई करें उनको पूछने का। हमने पिछले वीडियो में देखा था कांस्टेबल का कट ऑफ, अब हम देखेंगे SIPF का कट ऑफ, जो CBT पास करने के बाद फिजिकल के लिए बुलाया गया था। तो आपको मैं पहले भी बताया था कि जो मैंने फर्स्ट दिन वीडियो बनाई थी कि कौन से जोन में से फॉर्म भरने में आपको फ़ायदा होगा, ये चीज़ आपको यहाँ समझ आएगी कि कहाँ फॉर्म फिलअप करने से क्या फ़ायदा है। जो कट ऑफ जाता है, कट ऑफ से आपको समझ आएगा कि कहाँ फॉर्म भरने में आपको फ़ायदा है। तो अब हम बोर्ड पे चलते हैं और आपको पूरा मैं समझाता हूँ। ये ऑफिशियली साइट से तो नहीं मिला था, लेकिन गूगल पे सर्च करने पे ये कट ऑफ मार्किंग मिला है, तो 19-20 हो सकता है। ये CBT फाइनल होने के बाद जो फिजिकल में बुलाया गया था वो कट ऑफ है। तो अब हम चलते हैं कट ऑफ में। उससे पहले मैं एक बार फिर बोल देता हूँ कि RPF की अभी ऑफिशियली वैकेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से जल्द ही आने का चांसेस लग रहा है। तो आप अपनी मेहनत जारी रखें, आज नहीं तो कल कभी ना कभी वैकेंसी आएगी, तो आप आराम से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर आपने मेहनत किया होगा तो आराम से आप सिलेक्ट हो सकते हो। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके साथ साथ आप CBT और फिजिकल का भी प्रैक्टिस करते रहना। अब हम चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि कट ऑफ निकला था, और आज फिर मैं समझाऊंगा कि कहाँ फॉर्म भरने से आपको फ़ायदा हो सकता है। तो हम चलते हैं मेन सब्जेक्ट पे। अब आप बोर्ड की तरफ ध्यान दें कि ये जो सब इंस्पेक्टर का कट ऑफ निकला था उसका ये लिस्ट है। तो जो फीमेल है, सबसे पहले यहाँ फीमेल है और ग्रुप है। ए ग्रुप में जो साउथ वाली रेल है उसमें देखो 79 के करीब है, जनरल में OBC में 77, SC में 74 और ST में 16। वो वैसे के वैसे मेल में जनरल में 94, OBC में 95, SC में 88 और ST में 85। अब बी ग्रुप जो सेंट्रल रेलवे वाला है, सेंटर वेस्टर्न WCR, जो उसका गया है फीमेल का 87, जनरल में 81 है OBC में, 74 है तुम्हारे SC में और 64 है ST में। ऐसे मेल का है जनरल का 100 पे गया है, OBC का 97 पे गया है, SC का 90 पे और ST का 85 पे। अब जो सी ग्रुप है, हावड़ा वाला एरिया, उसका देखते हैं हम। तो जनरल में 79, OBC में 75, SC में 66 और ST में 62। यहाँ है मेल में जनरल में 94, OBC में 92 और SC में 84 और ST में 81। अब हम तो आपको यह समझ आएगा, देखो यह 84 और 81 लाने वाला है, यहाँ कहा जाएगा ग्रुप ए में टॉपर में जा सकता है। वैसे ही आप डी ग्रुप में, अब देखेंगे डी जो दिल्ली वाला एरिया है उसमें तो 87 गया हुआ है जनरल का, OBC का 84 गया हुआ है, SC का 72 गया है, ST का 72, ये है फीमेल का। अब मेल का देखते हैं हम, तो जनरल का है 99, OBC का 97, SC का 88 और ST का 87। तो आपने देख लिया बी ग्रुप में और ये तुम्हारे डी ग्रुप में कंपटीशन ज़्यादा है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, इससे आपको समझ आ गया होगा कि देखो या AC और ये E, ये तीनों में कट ऑफ बहुत डाउन जाता है। अब E का देखते हैं, जो आसाम वाली रेल है फीमेल में देखो 42 है, OBC में 46 है, SC में 38 है और ST में 14 है।
अब यूआर में देखो, मेल में 74 है, ओबीसी में 77 है, एससी में 69 है और एसटी में 62 है। तो आप उससे समझ आ रहा है कि हमारे यहाँ क्या पोजीशन है टी और बी में। तो आप इस रिज़ल्ट को देख के आप समझ पाओगे, ये देख लो आप कितना डाउन गया है, उसको देख के आप समझ पाओगे कि फॉर्म फिलअप करने के टाइम क्या हमको ध्यान रखना है। ट्रांसफ़र तो आराम से हो जाता है, जो डायरेक्टिव 58 के रूल के हिसाब से एक जोन से दूसरे जोन में 10 साल के लिए है, और आरपीएसएफ से अगर आरपीएफ में आना है उसके लिए भी 10 साल है। उसके बीच में अगर आपको कोई म्यूचुअल मिल जाता है या आप स्वाउस ग्राउंड में है तो अगर आपका उसमें ट्रांसफ़र आराम से हो जाता है, उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ भी बोला था कि अगर हम आर्मी सीआरपी बीएसएफ कहीं भी जाते हैं उसमें सेलेक्ट होते हैं तो पूरी लाइफ वहाँ निकाल देते हैं, और इसमें तो आरपीएफ तो बहुत अच्छी है क्योंकि हम कहीं भी जाएंगे जहाँ भी जाएंगे पब्लिक रिलेशन में रहना है। एक आरपीएसएफ का थोड़ा दौड़ भाग है लेकिन लगभग वो भी कहीं ना कहीं पब्लिक रिलेशन में रहती है। अब देखते हैं, आरपीएसएफ का फीमेल का तो नहीं था, मेल का 76 गया है, जनरल में ओबीसी में 87 गया है, एससी में 72 गया है और एसटी में 65। अब हम देखते हैं एक्स सर्विसमैन का, तो आप देख रहे हैं ग्रुप के हिसाब से, ग्रुप ए में 62-21, ग्रुप बी में 61 है, सी में 65 है, डी में 73 है, ई में 42 है और एफ में 42। ये कट ऑफ था तुम्हारा सीबीटी टेस्ट का। सीबीटी टेस्ट के बाद फिजिकल में बुलाया गया है, तो फिजिकल में जितने भी जो ऑब्स्टेकल है वो मैंडेटरी करने ही आपको, उसमें 35% वो जनरल और ओबीसी को लाना है, 30% के करीब एसएसटी को लाना है। उसमें कोई बोनस पॉइंट जैसा नहीं है, आपका जो टाइमिंग दिया है उस हिसाब से सबको करना है। फिजिकली मतलब पास करना ही है आपको, 1600 मीटर की दौड़ वो तो करनी है, अगर 1600 मीटर की दौड़ से आप निकल गए तो सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो आप सीबीटी की भी प्रैक्टिस करते रहना, साथ साथ में फिजिकल भी प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि माहौल के हिसाब से कभी भी आने का चांसेस है। तो आपको समझ आ गया होगा कि देखो ए सी और ई ये तीन जोन का हर टाइम डाउन जाता है कट ऑफ, क्योंकि वहाँ इतनी कंपटीशन नहीं है। ज़्यादातर कंपटीशन नहीं मतलब सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, डब्ल्यूसीआर, एसएससीआर, क्योंकि ये मेन लाइन है महाराष्ट्र गुजरात वाली, इसलिए ज़्यादा हर आदमी सोचता है वहाँ कंपटीशन के लिए, मतलब कि कल कहीं ना कहीं आप पोस्टिंग हम घर पे ही रहेंगे। और डी है उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन डी है, जो एनी मतलब नॉर्थन वाला एरिया है, दिल्ली हरियाणा पंजाब राजस्थान यूपी बिहार सभी वहाँ कंपटीशन में एक साथ खड़े होते हैं, इसलिए वहाँ कट ऑफ ज़्यादा जाता है। ये आपको समझ आ गया होगा कि फॉर्म फिलअप करने के टाइम आपको क्या करना है, और मैं आशा रखता हूँ आप मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे जब भी आप वैकेंसी निकलेगी आरपीएफ की आप 100% सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मेरी वीडियो देखने वाले में से 100 में से 10 या 15 बच्चे भी अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो मुझे खुशी होगी, और मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, ना कि मुझे कोई यूट्यूब से पैसा कमाना है ना कोई सब्सक्राइबर कमाने हैं, क्योंकि हमने भी जो कंपटीशन देखी है, हमने भी जो स्ट्रगल किया उस स्ट्रगल से बाहर निकले हैं। तो हम सोचते हैं कि हर आदमी सिलेक्ट हो जाए हमारी तरह और हमारी तरह नौकरी करे, क्योंकि आजकल सबको पता है महंगाई कितनी है, तो फैमिली को भी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, एजुकेशन भी महंगा हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट कर लेना, और आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको पूरा डिटेल से समझा दूँगा। इसके बाद हम अगली वीडियो अगर मौका मिलेगा तो डॉक्यूमेंट का देख लेंगे और जो ट्रांसफ़र संबंधित है वो देखेंगे। मैं टाइम टू टाइम सभी वीडियो मेरे से जितनी भी हो सके मैं अपलोड करता रहूँगा और आपको यूज़फुल हो ऐसे, तो मैं आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।